अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट होम। सो आज की वीडियो में एक तो मुझे आपके कुछ नहीं, जस्ट वन सब्सक्राइबर आस्क मी कि व्हाई डू यू सो हार्ड वर्क। मैं आज आपको बताऊं, हार्ड वर्क करने का एक अपना मज़ा है कि मेरी जो ASMR जर्नी है, अगर मैं आपको शेयर करूं तो आप हंस हंस कर मुझ पर हंसते ही होगे। लेकिन बताऊंगी मेरी ASMR जर्नी ये है कि मैं ASMR कैसे बनी। आज दो बातों की मैं आपको जवाब दूंगी कि मैं ASMR लाइक ये तोड़ने शोड़ने के काम जो है मैं क्यों करती हूं, और सेकंड मैं टेक्सचर जो है वो बाहर से बाई क्यों नहीं करती। सो फर्स्ट रीज़न कि मैं ASMR कैसे बनी, इसको सो गाइस, जब मैं ASMR नहीं थी तब मैं ये कह लें, जिस काम में आपको दिल लगता है, जिस काम से आपको सुकून मिलता है, वो काम आप करते हो। चाहे वो, यानी कि आप भी देखें अच्छा काम, लाइक मैं जो थी ना, मुझे शौक वगैरह था बचपन से मट्टी के साथ खेलने का, ठीक है, मट्टी के साथ खेलने का। हाँ, तोड़ने वाले काम मुझे बड़े पसंद है, यानी कि ये ब्रिक्स ये ब्रिक्स तोड़ना, फिर उनका चूरा करना, उनको पाउडर बनाना। पहले क्या मैं करती थी, पहले मेरा एक अजीब सा मेरा शौक था, आप मुझ पर हंसेंगे। पहले मैं ऐसे ब्रिक्स लेके तोड़ती थी, उसका पाउडर बनाती थी और हवा में उड़ा देती थी। ये शौक कैसा है वैसे, है ना, ये जस्ट एक रिलैक्सेशन, जैसे कि एक आपके गाल है कि आपको दिमाग के अंदर आपको पता नहीं क्या कुछ चिड़चिड़ापन चढ़ा रहा था, तो ये काम करके मुझे सुकून सा आता है। तो ये मैं करती थी पहले, ठीक है। मैंने तो जहाँ सारे जहान की ईंटें तोड़ दी, ठीक है। अब मामा से बड़ी डांट पड़नी, मेरे पापा जो है आदमी अल्लाह जन्नसीब करे, पापा जी से भी बड़ी डांट पड़नी, भाई से भी डांट पड़नी। उन्होंने कहना ये क्या हर टाइम ठुक 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 करती रहती है, दिमाग में जाती है सारी आवाज़, डिस्टर्बेंस इतनी क्रिएट करती रहती है, तो बड़ी डांट पड़नी करनी। पर मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ, बड़ी मूड, मैंने जो चीज़ मैंने कर रहा होना था वो मैंने कर रहा होना था। मैंने मट्टी जब तक तोड़ के पाउडर ना बना लेना, तब तक मैंने वो चीज़ करते रहना, ठीक है। तब मैं क्या थी, तब मैं थी 12-11 साल की थी, लगा ले 11 साल की, 10 साल की थी मैं, तब भी यही काम करती रहती थी। जस्ट मुझे तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तब यूट्यूब नहीं था, लेकिन क्या था ना, मट्टी भी बहुत खाती थी अ बिग सीक्रेट कि मट्टी भी खाती थी, क्योंकि देखे ना, मट्टी एक ऐसी चीज़ है जो चाइल्डहुड में आप ईच एंड एवरी चाइल्ड जो है ना, वो उसको ज़रूर जो होता है ना, इस चीज़ का एडिक्ट होता है। तो मैं, यानी कि मैं बहुत मिट्टी खाती थी, बहुत ज़्यादा तो मेरी मामा से मुझे बेहद डांट पड़नी करनी। तो मेरी मामा ने मुझे डांटना करना, क्योंकि उनके सामने नहीं खाती थी, छुप के खाती थी, तो बड़ी ज़्यादा डांट पड़नी, और पापा से भी बहुत डांट पड़नी है, और भाई से भी। इन्होंने कहना कि दुनिया जहान की नेमतें इनको ला कर देती हैं खाने के लिए, और ये क्या मिट्टी खाती हैं। तो बस आपको जस्ट अपना एक शौक बता रही हूँ, देख तो आप हंसेंगे कि यूनी के उस मट्टी खाती थी तो मज़े की बात कि मुझे मेरी मामा से फिर डांट पड़नी, फिर मेरे पापा से भी डांट पड़नी। सब पापा से इतनी डांट नहीं पड़ती थी, मामा से ज़्यादा डांट पड़ती थी, लेकिन मिट्टी खाने की आदत मैंने छोड़ दी, क्योंकि उससे मेरा जो था ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक रखती थी, इससे मैंने मिट्टी खाना छोड़ दी। मज़े की अब सेकेंड बात, जैसे मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, यानी कि मैंने क्लियर किया, तो मैं इस चीज़ की तरफ, मैं यानी कि मेरा जहन आ गया। तो क्या है ना कि मैं पहले मट्टी को तोड़ना, क्रश करना, उसका पाउडर ना के हवाओं में उड़ाना, और अब उसके बाद मैंने मट्टी को फिर खाना स्टार्ट किया, फिर मट्टी खाना छोड़ी, उसे तौबा कर ली, मैंने कहा मैं मट्टी कभी नहीं खाऊँगी। फिर उसके बाद मैं बन गई ASMR, यूनिक ASMR। एक मेरी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये जो
बनाती हैं, ऐसे मट्टी से खेलती हैं, ये केक्स वगैरह क्रिएट करती हैं, आप ASMR चैनल बनाए. सो दैट्स वाई बिहाइंड ऑफ द सीक्रेट कि मैं ये चीज़ें क्यों पीसती हूँ, मैंने खुद से फिर अपना एक दिमाग लड़ाया और मैंने अपने सब टेक्सचर जो हैं वो बनाए, और अपने माइंड से मैंने जो जो टेक्सचर को यानी कि इंगेज करके, जो जो टेक्सचर आपस में मिलाने से जो भी टेक्सचर बना, आज वो आपके सामने है. मिट्टी का तोड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ एक इंसान में एक आ जाए ना, वो फिर आदत छूटती नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए. अब मेरी आप लगा लें कि मैं 26 से 27 एज में आ चुकी हूँ, अब मेरी ये आदत है मैं ये चीज़ के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे एक जुनून सा इस काम से. ठीक है, तो फिर क्यों ना जुनून को काम में यानी कि मेहनत में चेंज किया जाए. इसलिए मैंने इस मेहनत को स्टार्ट कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि अब मेरा ये शौक, इससे मुझे कुछ फ़ायदा भी मिले, तो इसलिए मैं ये तोड़ के मैंने अपने टेक्सचर्स तैयार किए, और आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ भी शेयर किए कि कैसे कैसे मैंने कौन सा टेक्सचर बनाया. तो ये है मेरा बिहाइंड ऑफ द सीन सीक्रेट. तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि कोई भी ए स्मार्ट चीज़ शेयर नहीं कर सकेगी जो मैंने कर दी है. आपको अपना अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर किया. तो गाइज़ ये बस अल्लाह पाक हर हाल में खुश रखे, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस काम में सुकून भी है, इस काम में मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, और इस काम में आप लाइक बच्चे की तरह आप इन्वॉल्व हो. तो लाइक ऑल ऑल योर स्मार्ट्स उनको भी और मुझे भी. तो ठीक है, ये आपके साथ मैंने चीज़ शेयर की, बड़ा मज़ा आता है काम में, थकावट भी कभी कभी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होती है, हैंड जब मुसलसल हाथों का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये चीज़ जो होता है कभी कभी टायर्ड फील होता है, लेकिन जस्ट अब ये काम है, काम है, काम है, करना है. तो बाकी एक मैं ASMR का नाम लूँगी, मिनी लैबी. मिनी लैबी इज़ वेरी फनी गर्ल, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मूड जो होता है फ्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश कर देती हैं उनकी वीडियो. तो वैसा वैसा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो उसके लिए अपॉलोजाइज. सो आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बेहद खुशी होती है, वेरी प्राउड फील. तो मैं अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ये अल्लाह ताला की अनायत है. तो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही बात. तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें. बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत ये होती है बैठ के, नीचे से बैठ के उठा के परखना, तो बड़ा मुश्किल काम होता है चीज़ों को ऊपर रखना, क्योंकि वज़न को उठा के बार बार ऊपर रखना, नीचे लाना, ऊपर रखना, नीचे लाना, इट्स टू हार्ड वर्क. तो इट्स टू मच हार्ड वर्क. तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलूंगी क्रमलिन वीडियो में. अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग यूनिक स्मार, अल्लाह हाफिज़.